सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चला है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध व सुरक्षित पेयजल मिल सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जिला के परशुरामपुर गांव में पिछले 10 साल से हैंडपाइप खराब होने से मंजू देवी सहित 350 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके का समस्या बा? अब समस्या है मैडम, उठा पानी आवत था जब आए थे दूर से, तो स्कूल के देला जाते खाना कैसे बनाए, लेट हो जाता तो थोड़ा तो जाते वहाँ नहीं जा सकते, बिहार से मारा थे मैं मास्टर का ना या पानी के लिए लेट हो जाता है, तो कैसे खाना पकाइए कि नान के बच्चा को पसिया जाता, मोटर गाड़ी से एक दिन बच्चे से उठा हो गई चापाकल, एक बार बिगड़ी बाट है 10 साल से नहीं बना था, हम जाए थे कि माँ चापाकल की तो बनाए और हमें नया चाहिए। कुल कितना लोग ऐसे पानी पियत रहे? अरे 300 लोग मनाई पिए थे पानी। यह गांव में हैंडपाइप के बहुत दिक्कत बा है, एक हैंडपाइप ऐसा बा है गांव में कि इकट्ठ बा है और 10 साल से बिगड़ी बा है, और एक हैंडपाइप बा है जौन चौराहा बा है वो 1 किलोमीटर दूरी बा, लेकिन गाँव में इतना दिक्कत बा है कि वह भीड़ इतना लग जाते है कि केव कहे कि हमें जल्दी बाहे हमें जल्दी बा हमें जल्दी बाहे, वहाँ मार हो जाते है रोज रोज का ऐसा झगड़ा होते है, लेकिन बहुत समस्या वो खराब बा, वहाँ हैंडपाइप का गांव में बहुत जरूरी बा है। जब प्रधान के लगे दो चार मनाई गए तो कहें पैसा लागे 800 रुपया पैसा दे जावे तब हैंडपाइप दूसरे जगह बोरिंग करावे, जब इब कि यह गरीब मनई कहाँ पैसा पही, अरे आप ही गांव प्रधान है अगर गड़वाई देव तो कितना समस्या हल हो जाए और लोग तुम्हार मान सम्मान करें, लेकिन प्रधान उन्हें सुने। मैं चाहती हूँ कि ये हैंडपाइप जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94 54 46 51 28 पर कॉल कर दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं केसा देवी उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।